तमाम नर्सेज ने विरोध सप्ताह की शुरुआत की है, जिसके तहत पहले दिन सभी नर्सों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। नर्सेज एसोसिएशन का कहना है कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर सरकार को ज्ञापन सौंपा था। प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज की नर्सेज ने ज्ञापन दिया था, लेकिन मांगों पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। नर्सेज एसोसिएशन का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस था, उस दिन हमने प्रदेशव्यापी आह्वान पर ज्ञापन सौंपे थे 6 मेडिकल कॉलेज में सीएम सर के नाम पर, जो कि कमिश्नर सर कलेक्टर सर द्वारा हमने सौंपे गए थे। डीन सुपरिंटेंडेंट 6 मेडिकल कॉलेज को अवगत कराया था कि हमारी मांगे डीएमई तक माननीय स्वास्थ्य मंत्री तक पहुँचाई जाए, जो कि ये हमारी लिखित 9 मांगे हैं, आप देख सकते हैं। आज दिनांक तक हमें बुलाया नहीं गया है, तो जिस तरह आप देख रहे हैं 14 तारीख के बाद कभी भी प्रदेशव्यापी आह्वान पर मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज में नर्सेज सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। और इधर ग्वालियर के गजराजा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहां के नर्सों ने भी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां फिलहाल नर्सों ने आज से 1 सप्ताह के लिए विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो प्रदेश भर में नर्सेज अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं, क्योंकि अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जो नर्सेस एसोसिएशन है उसके बैनर तले तमाम जो नर्सें हैं वो आंदोलन कर रही हैं। आप देख सकते हैं सामने ये जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जो जितनी भी नर्सें हैं वो यहाँ पर अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध जता रही हैं। 1 सप्ताह तक विरोध जताएंगी, अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगी। फिलहाल अभी इन्होंने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया है और ये बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं उनके हाथ में जो तख्तियां हैं वो उस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ बयां कर रही हैं उनकी हाथों की तख्तियां। वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया, प्रमोशन प्रारंभ किए जाएं और तमाम वो मांगे हैं उनको लेकर एक बार फिर वो आंदोलन की राह पर चल पड़ी है। इससे पहले जूनियर डॉक्टर्स को हमने देखा था आंदोलन कर रहे थे। आखिर क्या वजह है कि आपको इस तरह आंदोलन करना पड़ रहा है? आप तो कोरोना योद्धा हैं। देखिए, कोरोना योद्धाएं बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 साल से हम लोग कंटिन्यू कार्यरत ही हैं, लेकिन अभी सरकार हमारी कोई भी मांगों में ध्यान नहीं दे रही है। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब उन्होंने ये वादा किया था हम स्वास्थ्य कर्मियों से कि 10,000 रुपये वो हमें देंगे प्रोत्साहन राशि, लेकिन आज दिनांक तक किसी के भी अकाउंट में 1 रुपये नहीं आया है। तो जितने भी वादे किए थे अपने कोई भी वादों पर अमल नहीं किया उन्होंने, ना आज दिनांक तक उन्होंने कोई भी हमारी सुनवाई कर रहे हैं, इसलिए हमें ये विरोध सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। आज हम लोग काम करना बिल्कुल नहीं बंद किए हैं, काली पट्टी बांधकर हम लोग काम कर रहे हैं सभी वार्डों में। और ये जो हमारे ये सप्ताह है ये केवल ग्वालियर का नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश का है, पूरे जबलपुर, इंदौर, भोपाल, रीवा, सागर, सारे मेडिकल कॉलेज जितने हमारे हैं सब लोग ये सप्ताह विरोध सप्ताह मतलब मना रहे हैं। हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है तो इसलिए हमें ये विरोध सप्ताह हम लोग जारी किए हैं। जब से कोरोना लागू हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में स्टाफ नर्सेज की जो कमी है उसको भर्ती कीजिए ताकि जो मरीजों को अच्छे से इलाज मिल सके, हम अच्छे से सेवा दे सके। बिल्कुल, ये इससे पहले इन्होंने चेतावनी दी थी और मांगे नहीं मानी गई, तो एक बार फिर से इन्होंने आंदोलन की राह पकड़ ली है। 1 सप्ताह तक इसी प्रकार विरोध जताती रही।